हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भरपाया कहर। एक दिन में पहली बार 1,45,000 नए केस। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के 1,25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। शुक्रवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज महज एक दिन में 1,44,000 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए। इससे पहले गुरुवार के आंकड़ों में 1,31,000 नए केस सामने आए थे। इनमें से 83.29% मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 1,44,829 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान करीबन 773 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 13,02,2783 पहुंच गई है, जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। वहीं इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,68,467 पार कर गया, जो अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील के बाद सबसे अधिक है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 1,31,968 नए मरीजों की पहचान हुई थी। शुक्रवार के डेटा से पहले ये देश में एक दिन में 10 सर्वाधिक मामले थे। भारत में रिकवरी दर घटकर 91.22% और सक्रिय मामलों की दर बढ़कर 7.50% हो गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.28% पर पहुंच गई है। 10 राज्यों में लगातार बढ़ रहे केस। भारत के 10 राज्यों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में मिले कुल 83.29% मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में दर्ज किए। इनमें से 53.84% केस अकेले महाराष्ट्र से जुड़े हैं। वहाँ 56,288 नए संक्रमितों की पहचान हुई। छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली और कर्नाटक नए मामलों के लिहाज से दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें स्थान पर रहे। चारों राज्यों में क्रमश 10,652, 8,474, 7,437 और 6,570 संक्रमित सामने आए। जागरूक टीवी की कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।